तो कॉलेज की बात करूँ तो यार ये 1994 में बना था, एडमिशन कैसे मिलेगा इस कॉलेज में। मुद्दे की बात करते हैं कि भाई पैसा कितना मिलता है। प्लेसमेंट बहुत धाकड़ है यार, एंड ये कॉलेज अगर आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो तो सबसे अच्छा कॉलेज है यार। जब तक वहाँ पहुँचने में आपको बता देता हूँ खाने का सीन चलता हूँ आपको। बहुत ही मज़ेदार जगह, यहाँ का बॉयज़ हॉस्टल और यहाँ का ग्राउंड, वो सब चीज़ें दिखाते। Some things are not the same as they were. तो दोस्तों कैसे आप लोग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपने कॉलेज के सामने, पीछे मेरा कॉलेज है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज मेरे कॉलेज में एलुमनाई मीट है, बट मैंने सोचा इसका फ़ायदा उठाया जाए और क्यों ना आपको दिखाया जाए अपना कॉलेज। बहुत ही खूबसूरत है कॉलेज हमारा, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, आपके साथ शेयर करता हूँ। इस कॉलेज के बारे में और बात करते हैं, क्या क्या कोर्सेस हैं यहाँ पे, कितने बच्चे हैं, क्या फीस है, एंड यहाँ की क्लासेस, यहाँ का स्पोर्ट्स, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ अपनी इनसाइट भी दूंगा, अपनी स्टोरी भी बताऊंगा। तो हाँ, बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों कॉलेज की बात करूँ तो यार ये 1994 में बना था आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के अंदर, तो इसमें सिर्फ आर्मी के बच्चे पढ़ते हैं एंड उनके लिए ये बना हुआ है। बाकी यार ये जगह के बारे में बताऊँ तो ये आलंदी रोड पर, आप एयरपोर्ट से निकलोगे तकरीबन 4.5 किलोमीटर पर, डिगी हिल से पहले आता है। तो दोस्तों ये हो गया थोड़ा बहुत कॉलेज के बारे में, अब मैं यहाँ पे कोर्सेज क्या हैं उसके बारे में बताता हूँ। अंदर जाके कॉलेज दिखाता हूँ आपको, ग्राउंड्स के बारे में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लासरूम कैसे होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट कैसे, अंदर चलते हैं उसको देखते हैं फिलहाल। तो एंट्री लेते ही यार सबसे पहले व्यू आपको मिलता है यहाँ साइड में पार्किंग का, यहाँ पे जो स्टाफ पार्किंग है वो है, स्टाफ की गाड़ियाँ पार्क होती हैं। सामने ये एकेडमिक ब्लॉक बोलते हैं, बहुत बढ़िया एकेडमिक ब्लॉक है। आप अंदर जाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा अंदर से भी इसमें, तो अंदर आपको सारे डिपार्टमेंट, लेक्चर हॉल्स, लैब्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों थोड़ा क्लोज़र लुक लेते हैं, यहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया इन्होंने, पहले था नहीं ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने एकेडमिक ब्लॉक है, एकेडमिक ब्लॉक के अंदर रमन थिएटर है जो कि ओपन थिएटर है। यहाँ पे सारे इवेंट होते हैं, फेस्ट होते हैं, तो जैम सेशन, डांस सेशन, थिएटर सब यहीं पे होते हैं। डायरेक्टर्स का भी वहीं पे है रूम। NBH2 जो कि बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे आपको गर्ल्स हॉस्टल भी मिलेगा एंड इस साइड में आपको बॉयज़ हॉस्टल मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल, फिर गेस्ट रूम है यहाँ पे। आप लोग अगर यहाँ पे है ना 5-6 गेस्ट रूम भी है, सिर्फ यहाँ पे कोई लोग आता है तो उसको बुक कर सकते हैं, किसी के पेरेंट्स आए तो उसके लिए वो बुक कर सकते हैं गेस्ट रूम। तो 300 या 400 रुपीस है चार्जेस पर नाइट के, आप जाके यहाँ पर रिसेप्शन पे बोल सकते हो बुक करने के लिए। वर्कशॉप है और स्टाफ क्वार्टर, तो इस साइड आपको वर्कशॉप भी मिल जाएंगी। वर्कशॉप होता है यार मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल गाड़ी बनाती रहती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती है, तो वर्कशॉप होता है वो भी दिखाऊँगा। एंड स्टाफ क्वार्टर्स हैं, जो स्टाफ है उनके क्वार्टर्स भी उस साइड। इस साइड आता है आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो भी आपको दिखाऊंगा। फिर बॉयज़ हॉस्टल MS, यहाँ तो जाएंगे पक्का। एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आपका बारबर शॉप, स्टेशनरी का सामान, बहुत सारी चीज़ें हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। टाइप ए क्वार्टर्स होते हैं वो वहाँ पे जो स्टाफ है उनके लिए, और कार पार्किंग। आर्यभट्टा सेंटर होता है हमारा, जहाँ पे मानिकशा हॉल है। आर्यभट्टा सेंटर के अंदर लाइब्रेरी भी है, मानिकशा हॉल भी है और बहुत सारी चीज़ें, वो भी आपको दिखाता हूँ। कंप्यूटर लैब बन चुका है, वो सारी चीज़ें इस साइड हैं, तो अभी अंदर चल के दिखाऊंगा मैं। धीरे धीरे करके इन सबको एक्सप्लोर करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों। ये है मेरे पीछे एकेडमिक ब्लॉक, तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कोर्सेज जो यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे 4 कोर्सेज आपको मिलेंगे, एक होता है बी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बी इन IT, बी इन NTC, ENTC एंड बी इन मैकेनिकल। तो ये 4 मेन कोर्स है यहाँ पे। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 4 साल के कोर्सेज हैं ये अवेलेबल। हर साल 60 स्टूडेंट्स इनरोल होते थे हर कोर्स में, बट अभी उसको बढ़ा दिया गया है, तो कंप्यूटर साइंस में 120 हो गया है, ENTC में 120 था, IT में भी 120 कर रहे हैं। तो ये सारे हैं यहाँ पे कोर्सेज और स्टूडेंट्स। इन्होंने ME इन मैकेनिकल शुरू किया था, ME इन डेटा साइंस, ये सब मास्टर्स के कोर्स हैं, तो ये भी शुरू किया यहाँ पे। तो यार ये अगले 5 साल में है ना कॉलेज एक्सपेंड होने वाला है, अभी अंदर PPT में भी यही दिखाया।
सब में 120 स्टूडेंट हो जाएंगे, मास्टर सारे, और भी छोटे छोटे 6-6 मंथ के, 3-3 मंथ के भी कोर्सेज ये लोग निकाल रहे हैं ताकि आप इम्प्रूव कर सके, उसको पार्टिसिपेट कर पाए। IITs भी ये करती हैं, अपने खुद के भी कोर्सेज निकालते हैं 3-6 मंथ के, जो आप साइड में एज अ वर्कशॉप ले सकते हो उसे। दोस्तों अब बात की जाए कि यार एडमिशन कैसे मिलेगा इस कॉलेज में, तो जैसा मैंने बताया था कि सिर्फ आर्मी के बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है IIT JEE का, सिर्फ आपको JEE मेंस देना है। JEE मेंस के बाद यहाँ पे मेरिट बनती है, तो जो मेरिट होता है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट में बुलाया जाएगा। 3-4 दिन काउंसलिंग चलती है, सबसे पहले मेरिट वालों को बुलाया जाएगा, जो उसकी ज़्यादा मेरिट होगी उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। फिर फीस भरनी होती है, जो कि तकरीबन 2 लाख थी मेरे टाइम पे, अभी मुझे नहीं पता करंट कितना फ़ीस है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते। तो हाँ, बस आप फीस भरो, उसके बाद आपका एडमिशन। थोड़ी बहुत ज्ञान की बात है, अब अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ एकेडमिक ब्लॉक कैसा है यहाँ का, और बाकी बॉयज़ हॉस्टल भी चलेंगे यहाँ का, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, सारी चीज़ें देखेंगे। TT बैडमिंटन के अलग से एरिया, वो भी दिखाता हूँ आपको, तो आप उसको एक्सप्लोर। दोस्तों यार हर कॉलेज में ना अड्डा होता है, लोगों को कहीं पे मिलना जुलना है तो कहाँ पे मिलेंगे, तो यार सबसे बड़ा अड्डा ये सामने आपको दिखेगा, ये एकेडमिक ब्लॉक से आप आएंगे राइट में, ये ट्रायंगल सा दिख रहा है जो, इसको हम बोलते हैं सेंटर गज़ीबो। तो ये गज़ीबो है हमारा, यहाँ पे आके लोग बैठते हैं। साइड में कैफेटेरिया है, इस साइड भी कैफेटेरिया है, इस साइड भी कैफेटेरिया है एक, ये दोनों कैफेटेरिया के बीच में ये गज़ीबो है। यहाँ पे मीटिंग पॉइंट होती है, लोग अपने जो भी फेस्ट डिस्कस करना होता है, कोई इवेंट डिस्कस करना होता है, तो यहीं पे मोस्टली बुलाते हैं लोगों को। एंड ये साइड में आपको मिल जाएगा यहाँ पे लॉन्ग टेनिस कोर्ट, ये भी है। तो इस गज़ीबो में हमने बहुत रातें काटी हैं यार, कोई भी इवेंट होता था यहीं बुला लेते थे, रैगिंग भी ली है हमारी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कविता सुनाई है अपनी फर्स्ट ईयर में, सबके सामने लोग इकट्ठा हो गए थे, इवन कैफेटेरिया थी तो कैफेटेरिया से लोग आ गए थे, और हाँ बहुत अच्छा मोमेंट था, यादें बहुत हैं। तो यहीं पे आपको मोस्ट ऑफ द बकचोदी दिखेगी। फिलहाल और भी एरिया है जहाँ पे मीटिंग्स होती है, वो भी आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मेरा दोस्त आ रहा है गेट पे, उसको भी पिक करता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं मुद्दे की, भाई पैसा कितना मिलता है यहाँ पे। तो यार मैं एवरेज की बात करूँ, ENC, ENTC, IT सबको मिला के, कंप्यूटर्स मैकेनिकल को बुला के, तो इस साल का एवरेज यार 14 लाख है। ये देख के मैं भी हैरान हो गया था, मेरे टाइम पे 2018 में 6-7 लाख के आसपास था, बट पिछले 3-4 सालों से ये 9 लाख 12 लाख और अब 14 लाख हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत दोस्तों पिछले 3-4 सालों में यार ये कॉलेज ने बहुत तरक्की की है, मैं खुद हायरिंग करता हूँ इस कॉलेज के बच्चों के, DSLGO आपके बहुत अच्छे मिलेंगे, कोडिंग बहुत अच्छी है, एंड यार हार्ड वर्किंग है ये लोग। मैं बहुत तारीफ़ें इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि मैं इस कॉलेज का हूँ, बट ये रियलिटी है, यहाँ के बंदे बहुत बढ़िया। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं यार, प्लेसमेंट कैसी है इस कॉलेज की। प्लेसमेंट बहुत धाकड़ है यार, अभी लास्ट ईयर ही एक बंदे ने 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज निकाला अमेज़ॉन में। यहाँ कंपनी जो आती है उसमें से अमेज़ॉन होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, डायरेक्ट आई होगी, बड़ी बड़ी कंपनी आती है। अगर कंपनी कॉलेज में नहीं आती, लोग ऑफ कैंपस बहुत निकाल लेते हैं, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग ऑफ कैंपस भी बहुत अच्छे अच्छे पैकेज निकालते हैं। जैसे मैंने बताया कि एवरेज पैकेज 14 लाख है, तो आप समझ सकते हैं। एंड अगर आप कंप्यूटर और IT बैकग्राउंड से वो कोर्स कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे चांदी चांदी है। थोड़ा सा मेहनत करो, हार्डवर्क करो, बहुत लंबा जा सकते हो, बहुत अच्छा है ये कॉलेज उस हिसाब से पैकेज वाइज भी। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का यार सबसे बढ़िया जगह, जो कि है आर्यभट्टा सेंटर। इसके अंदर आपकी लाइब्रेरी आ जाती है, रीडिंग हॉल आ जाता है, मानेकशॉ हॉल है, और आपका नया बना हुआ कंप्यूटर लैब यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं इसके और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के बाद यहाँ पे अगर आपके लैपटॉप नहीं है तो यहाँ पे आके आप सर्फिंग कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, वहाँ मैगजीन पढ़ सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें हैं अंदर, और भी 2-3 कमरे हैं, यहाँ बैठ के मैगजीन पढ़ो, नॉवल्स पढ़ो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, डिजिटल कर रखा है पूरा, ये आप देख सकते हो। स्टडी हॉल भी बोलते हैं इसको, बहुत सारी बुक्स एंड चॉइसेस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। नैपटल के सारे कोर्सेज है, प्रीमियम पेड है यहाँ पे, पेड कोर्सेज भी हैं। यहाँ की लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, आपके फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हमने यहाँ से बहुत सारी बुक्स उठाई हैं हम लोग, कोडिंग की बुक हो गई, OS की हो गई, नेटवर्किंग की हो गई, यहीं से ला के हम लोग महीने महीने भर अपने पास रखते थे और उसको सॉल्व करते थे।
तो हाँ, लाइब्रेरी कार्ड मिल जाएगा आपको, उसका यूज़ कीजिए और यहाँ से आप। दोस्तों अब चलते हैं रीडिंग हॉल। रीडिंग हॉल के बगल में वॉशरूम, खाने पीने के। दोस्तों यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं, पूरा वाईफाई है यहाँ। दोस्तों यहाँ पे आके आप अपना असाइनमेंट कर सकते हैं, लैपटॉप लाइए, पूरा वाईफाई है यहाँ, बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं आप, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बैठ के अपने असाइनमेंट निपटाए हैं। अगर आपका क्लास नहीं हो रहा है, क्लास बंक करके भी हम लोग यहाँ पे बैठते थे, पूरा अपना निपटाया असाइनमेंट यहीं पे बैठ के। बहुत प्यारी जगह है दोस्तों। ये फोयर या था मानिकशॉ का, कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों मेरे पीछे मानिकशॉ हॉल है, तो एक रमन थिएटर है जो एकेडमिक ब्लॉक में, और ये मानिकशॉ हॉल है। यहाँ पे अराउंड 300 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे भी आपके इवेंट्स होते हैं, कोई सेशन हुआ, वर्कशॉप हुआ, यहाँ पे आते हैं, गेस्ट लेक्चर हुए यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे आपका आना जाना रहेगा ही। फर्स्ट ईयर में तो यहाँ पे खाली रहती है सीट, तो फर्स्ट ईयर को आके बैठा देते, तो वो सारी चीज़ें फर्स्ट तक जगह भरनी होती है। तो हाँ, आपके सारे गेस्ट लेक्चर यहीं पर होने। तो दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये अपने एकेडमिक ब्लॉक के सामने, तो ये सीधे आपका एकेडमिक ब्लॉक आता है। अंदर आते ही सबसे पहले आपको जनरल बीजी जोशी की फ़ोटो स्टैचू मिलेगा, सॉरी, एंड इन्होंने यहाँ की नींव रखी थी, इसीलिए ये बहुत फेमस है। आपके इनके नाम पे ऑडिटोरियम भी मिल जाएगा। तो बीजी जोशी नाम का ऑडिटोरियम भी है, मानिकशॉ हॉल नाम का ऑडिटोरियम है, रमन थिएटर है, ये तीन ऑडिटोरियम है। दोस्तों यहाँ पे आपका डायरेक्टर ऑफिस आता है, मैं दिखाता हूँ, डायरेक्टर ऑफिस भी हम लोग गए थे। ये आता है आपका रिसेप्शन, इसके ऊपर जाएंगे आपका आ जाएगा लेक्चर हॉल। और नीचे भी कुछ लेक्चर हॉल है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का ना क्लासेस यहाँ पे लगता है, आप देख सकते हैं सामने फिजिक्स लैब। तो ये है फिजिक्स लैब यहाँ का। दोस्तों ये आता आपका रमन थिएटर, मैं आगे से दिखाता हूँ। दोस्तों पीछे आप देख रहे हो रमन थिएटर, तो बेसिकली यहाँ पे ना जितने भी मेगा फेस्ट होते हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। आपका जैम सेशन हो गया, कुछ भी हुआ, हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, सब यहीं पे होता है। बहुत बड़ा है ये, आराम से पूरा कॉलेज बैठ जाते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं डिपार्टमेंट में, सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग इस साइड लेफ्ट में, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग राइट में। ये नेटवर्किंग लैब आपका, तो यहाँ पे यार आप सेकेंड ईयर में अगर कंप्यूटर साइंस में हो तो नेटवर्किंग का यहाँ पे करोगे। ये सारे आपके PCM केट्स ये सब पड़े हुए, इसको खोल के तार वार जोड़ोगे, बहुत मज़े आने वाले हैं। वहाँ पे आपका लेक्चर चलेगा, तो एकदम इंजीनियरिंग वाले। दोस्तों जो ये हार्डवेयर लैब है ये IT वालों का नहीं, कंप्यूटर वालों का है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना। कंप्यूटर का अलग डिपार्टमेंट है, उसकी अलग सारी लैब्स हैं, IT डिपार्टमेंट का अलग है, पूरा सिस्टम अलग लैब है, वो आपके राइट साइड में, मैं दिखाता हूँ आपको IT। तो दोस्तों ये है मेरा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इस साइड से आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेक्चर और शुरू हो जाएंगे, एंड यहाँ पे स्टाफ बैठता है हमारा, सारे टीचर जो है यहाँ पे है। सामने आपका वाईफाई रूम है, फिर से स्टाफ रूम है, फिर HOD का रूम है। HOD का रूम भी दिखाता हूँ मैं। फ़िलहाल अगर आपको फर्स्ट ईयर में वाईफाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ पे आपका वाईफाई ठीक होता है। यह है यहाँ का सर्वर रूम, ये भी आपको दिखाया जाएगा जल्दी। तो दोस्तों जहाँ मैं अभी घूम रहा हूँ ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट की पूरी लाइन है, पीछे देख सकते हैं ये रहा, यहाँ पे OS के क्लासेस होती है हमारी, ऑपरेटिंग सिस्टम। सामने ये एक और रूम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसका लैब है ये। साइड में CSL लैब 3। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में यहाँ पे कुछ क्लासेस होंगी,
ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का एक कोर्स है। एंड सबसे ये जो लिखा है स्टूडेंट कौन है, इसको खोपचा बोलते हैं। तो ये खोपचा है हमारा, बेसिकली ये आपको ना कंप्यूटर डिपार्टमेंट में आप घूमोगे तो मिल जाएगा पीछे लेक्चर हॉल के बीच में। एंड यार यहाँ से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। ये बेसिकली यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेशन होता था, कोई भी कॉम्पिटिशन होता था डिबेट का एक्सटेम्पोर का, यहाँ पे आके। और ये हर डिपार्टमेंट में एक खोपचा बना हुआ है, तो यहाँ पे सबको बोल देते हैं खोपचे में आ जाओ एंड यहीं पे प्रैक्टिस करो। दोस्तों यहाँ से ऊपर जाओगे लेक्चर हॉल आ जाएगा, नीचे भी कुछ यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे आपका ऊप्स का ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे, तो ये आपका यहाँ का लाभ आ जाता है। फर्स्ट ईयर आप यहाँ पे भी बहुत सारे सेशन करने हैं। दोस्तों कंप्यूटर डिपार्टमेंट इतना बड़ा है कि यार बाकी कोई डिपार्टमेंट में दिखा नहीं सकता यार, बाकी सब डिपार्टमेंट में भी सेम है, लेक्चर हॉल होंगे, उनके लैब होंगे, तो वो सारी चीज़ें। तो फिलहाल आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। दोस्तों ऊपर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ लेक्चर हॉल। तो बेसिकली अभी नीचे हमने लैब्स देखे, हार्डवेयर लैब हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का लैब हो गया, अब ऊपर लेक्चर हॉल है आपका। तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सॉरी सेकेंड ईयर से आप डिपार्टमेंट में आते हो, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आपको इन लेक्चर हॉल में लेक्चर्स मिलेंगे। ओह शिट, लेक्चर हॉल अभी बंद है। तो ये लेक्चर हॉल होता है, वैसे इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको आपका ब्लैक बोर्ड मिलता है, यहाँ लोग बैठते हैं और लेक्चर सुनते हैं। LH11, LH12 जेनरिक सा कंसेप्ट है। फर्स्ट ईयर में आप आओगे तो आप पढ़ोगे जनरल इंजीनियरिंग, उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रिकल सारे इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं आपको, सिविल। तो फर्स्ट ईयर में जब अभी तक डिपार्टमेंट आपका नहीं आता जनरल इंजीनियरिंग पढ़ते हो, सेकेंड ईयर से आप आ जाते हो डिपार्टमेंट में, तो सेकेंड ईयर में आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले कंप्यूटर डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। एंड ये खोपचा हो गया पूरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। दूसरी साइड आईटी का है, कोने में मैकेनिकल का है, ENTC का उस साइड। आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर में जनरल सब एक साथ पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर से डिपार्टमेंट में, एंड उसके हिसाब से आप अपने डिपार्टमेंट में लैब्स अटेंड करेंगे और लेक्चर हॉल। दोस्तों एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पीछे खोपचा था जहाँ से मैं निकला हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, उसके पीछे आते ये आपको मिल जाता है ट्रेनिंग सेशन। एंड ये कॉलेज अगर आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो तो सबसे अच्छा कॉलेज है, ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ से आर्मी एयरफोर्स नेवी हर साल बच्चे निकलते हैं एंड उसके लिए चीज़ें भी बना। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लैब बना रखा है, तो अगर आप जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स कितना फैशन है, उसके लैब नहीं आ जाता आपका मैकेनिकल का वर्कशॉप। फर्स्ट ईयर में तो वर्कशॉप करोगे आप, तो ये फर्स्ट ईयर में आपका रहेगा, उसके बाद डिपार्टमेंट वाले सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर यहीं पे बिताते हैं। यहाँ से आप आओगे, यहाँ से आपकी वर्कशॉप की एंट्री। फर्स्ट ईयर में आपको दो वर्कशॉप करने पड़ते हैं, एक टीन स्मिथी कारपेंट्री, इन सब में वेल्डिंग, इनमें से आपको दो चीज़ें करनी होगी। एंड ये टूल्स हैं, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, पहली बार में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ मैंने बहुत हाथ रगड़े, मतलब हथौड़े ठोकने से लेके वेल्डिंग से लेके सारा काम किया यहाँ पे। और फर्स्ट ईयर जो था यहाँ पे आपका बीतता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ते हो, जैसे मैंने बताया फर्स्ट ईयर जेनरिक इंजीनियरिंग होती है, सब पढ़ते हो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सारी इंजीनियरिंग। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो उसमें से वर्कशॉप भी, जैसे आप इधर आ जाते हो स्मिथ मशीन है, आपका स्मिथ मशीन और भी सारी मशीन यहाँ पे रखे हुए, तो यहाँ पे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, आपको अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है हर चीज़ पे, देख सकते हो कितना बड़ा वर्क। दोस्तों ईवी लैब से निकलते हैं बाहर, आपको मैंने वर्कशॉप दिखा दिया मैकेनिकल का, अब ये आता है सबसे पवित्र स्थान, ये आपका यहाँ से जाओगे तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट, यहाँ से जाओगे मैकेनिकल और आईटी डिपार्टमेंट, और ये आता है आपका मंदिर। तो यार यहाँ पे हमने बहुत जगराते किए, बहुत मन्नतें मांगी हैं, फिलहाल यहाँ पे हो रही है रेनोवेशन मंदिर की, और यहाँ पे पूजा पाठ जन्माष्टमी सब कुछ बनाया हमने यहाँ पे, तो ये बहुत प्यारा पार्ट होता है मंदिर। यहाँ से हाथ पैर जोड़ रहा हूँ मैं इनके, फिर से बहुत बहुत याद। रोड पे आने से ना बहुत यादें ताज़ा हो जाती है, क्योंकि सामने ही है मेरा हॉस्टल, यहाँ पे हमने 4 साल बिताए, और इस रोड पे रात को बातें करते हुए फ़ोन लेके मम्मी से घर पे बातें करते थे, यहाँ पे चलते हुए इस रोड पे, तो हाँ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैं दिखाता हूँ हॉस्टल से सामने निकलेंगे आप, ये आ जाएगा आपका हॉस्टल,
लेकिन ये जो वाइट वाइट पेंट किया हुआ है, ये जो है ना, ये आपका गेमिंग एरिया है। इसके अंदर बैडमिंटन और टीटी खेलते हैं आप, तो वो आपको दिखाता हूँ। और उसके पीछे जो है वो हॉस्टल है, तो वो उस समय होता था बॉयज़ हॉस्टल, सामने ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल, और ये आ जाता है आपका एक और हॉस्टल आ गया। तो ये तीन हॉस्टल है। आते यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, तो बारिश और हवा से कोई मतलब नहीं। यानी आपका टीटी कोर्ट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे आपके अच्छे खासे दो तीन टीटी कोर्ट लगा के टीटी खेल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो कोर्ट से बाहर निकलते ही आपको ये सामने दिखता है अपना क्रिकेट ग्राउंड, जो कि लश ग्रीन हो रखा है। हमारे टाइम पे मिट्टी पत्थर से भरा हुआ था, तो बहुत चोटें लगी हमें यहाँ पे। फिलहाल ये रहा हमारा हॉस्टल। तो यहाँ पे 4 साल होते हैं और आपके चारों बार हॉस्टल चेंज होते हैं। फर्स्ट ईयर में आप इधर इस हॉस्टल में रहते हो, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आप उस हॉस्टल में जाते हो, फिर फोर्थ ईयर में यहाँ आ जाते हो। तो ऐसे हमारे हॉस्टल चेंज होते थे हर साल, और हमने सारे हॉस्टल के मज़े लिए हुए। सामने आपका मानेकशॉ हॉल है, आर्यभट्टा सेंटर भी बोलते हैं, आपका बास्केटबॉल कोर्ट उस साइड भी ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। बॉयज़ हॉस्टल में घुसते हैं और आपको अंदर से दिखाता हूँ बॉयज़ हॉस्टल क्या क्या चीज़ें होती हैं अंदर। तो ये आपका न्यू बॉयज़ हॉस्टल है, फर्स्ट ईयर में आप यहाँ पे रहोगे। इसका नाम कर दिया अब्दुल कलाम हॉस्टल, और सारे हॉस्टल के नाम भी चेंज कर दिए। तो चलो हॉस्टल के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से हॉस्टल। तो हर हॉस्टल के एंट्री में आपको एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। यहाँ का टाइम आउट हो जाता है 10 बजे, 10 बजे ये गेट बंद हो जाएगा, फिर आप इसके बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। बाहर जाने के लिए आउट पास लेना पड़ता है, वो अलग झंझट है, मैं बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पर हम अंदर आएंगे, शीशे में खुद को देखें। दोस्तों ई विंग में घुसते, ई विंग, एफ विंग, आपको इनमें से कोई नंबर दिया जाएगा। ई विंग 001, 001 नहीं होता, 001 होता है। तो हाँ, ये आपका है, ये ट्रिपलेट से नीचे यहाँ पे सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम होता है, ट्रिपलेट है। और आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो और आगे से जा सकते हो। तो मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। हॉस्टल है, आपको न्यू हॉस्टल भी दिखाऊंगा, उसका वॉशरूम और अच्छा है इससे। ये ओल्ड हॉस्टल है, तो पुराना इसका थोड़ा लुक है। जैसे मैंने बताया, सिंगल, डबलेट और ट्रिपलेट तीन तरह के रूम मिलते हैं यहाँ पे। तो ये था बॉयज़ हॉस्टल पीछे, ये था सबसे पहला बॉयज़ हॉस्टल, तो थोड़ा पुराना मॉडल है यहाँ पे चीज़ों का। नए बॉयज़ हॉस्टल भी बने, उसका वॉशरूम सब कुछ बहुत ही एकदम आलिशान लग्जरी 5-स्टार होटल जैसा बना है। वो पीछे न्यू बॉयज़ हॉस्टल से निकलते हैं, सामने देखो ये ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल है। यहाँ नहीं जाएंगे, आपको मैं मैस लेके चलता हूँ पहले, जहाँ हम लोग खाते पीते हैं वो जगह। जब तक वहाँ पहुँचने में आपको बता देता हूँ खाने का सीन। यार सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, शाम को स्नैक्स मिलेगी, रात को डिनर मिलेगा। तो ये आपका पूरा हिसाब किताब होता है। खाना बहुत अच्छा है, आप यहाँ कंप्लेन नहीं करोगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पता नहीं कुछ लोग फिर भी कंप्लेन करते हैं। राजमा चावल, नॉन वेज, वेज सारी चीज़ें यहाँ मिलती है आपको। भर पेट खाओ, मज़े से खाओ, कोई रोक टोक नहीं। यहाँ जो थापा मेस है बहुत अच्छा है, यहाँ जो मेस में लोग काम करते हैं बहुत प्यारे हैं, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा बॉयज़ मेस। आप चलते हैं अब यहाँ, यहाँ पे खाना लेके आप अंदर भी खाना खा सकते हैं, बाहर भी खा सकते हैं। तो बाहर भी अच्छा खासा बैठने का बना रखा है, जो एंटर करते हैं आपको दिख जाता है। तो ये है यहाँ बाहर बैठने का अच्छा खासा सीन बना रखा है। यहाँ 500 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं, हमारे टाइम पे सिर्फ 300 का था ये। तो हाँ, अब अंदर चलते हैं। मैं सेकेंड थर्ड ईयर वहाँ खाता है खाना, फर्स्ट एंड फोर्थ ईयर यहाँ पे खाना खाता है।
दोस्तों आपने मैस भी देख लिया, खाना पीना कहाँ होता है अब आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों मैं मैस से आया यार, पुरानी यादें ताज़ा। यहाँ पे क्या होता है, सीनियर को सब सर सर बोलते हैं एंड आपको विश करते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। तो मैं जब से जहाँ से भी निकल रहा हूँ वहाँ पे गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तो हाँ, ये रिस्पेक्ट आप देते हो अपने सीनियर को और हर जूनियर सीनियर को देते हो। तो दोस्तों आप जब यहाँ पे आते हो तो आपको लॉन्ड्री के लिए आप पे करते हो, तो यहाँ पे आपका ऐसा ट्यूसडे थर्सडे ऐसे दो दिन आपका आएगा हफ्ते में सामान आपका कपड़ा लेके और नया कपड़ा। तो ये रहा ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल और इसके सामने ये क्रिकेट ग्राउंड। तो जब हम लोग यहाँ पे रहते थे तो यहाँ बीच में मेरा रूम होता था, यहाँ ठंडी ठंडी हवा आती थी, कोई भी इवेंट होता था तो अच्छा खासा शोर भी सुनाई देता था। तो हाँ दोस्तों, अब ये ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल के आगे निकलते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ की सबसे बढ़िया चीज़, यहाँ के जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स में यार लोग बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। कोई भी नाम ले लो, एथलेटिक्स भी होता है, लॉन्ग रन होता है, शॉर्ट रन होता है, गेम्स के नाम ले लो बास्केटबॉल टीटी क्रिकेट वॉलीबॉल सारे गेम्स होते हैं यहाँ पे। उसका मैं कोट भी दूँ। दोस्तों बहुत लोग यार क्रिकेट को मिस करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद आपको पूरा फर्निश्ड यहाँ पे मैट मिलता है क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए, किट मिलती है आपको, ये किट है आपकी, सब कुछ आपको कॉलेज ला के देता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे, आराम से आप अपना गेम भी यहाँ पे परस्यू कर। सामने वॉलीबॉल कोर्ट है इस साइड एंड यहाँ पर। तो दोस्तों ये बड़ा सा लस ग्रीन आपका फुटबॉल कोर्ट एंड यहाँ पे आपका वॉलीबॉल कोर्ट, बढ़िया दो वॉलीबॉल कोर्ट है बड़ा सा, ये आपके दो बास्केटबॉल कोर्ट आ जाएंगे। हाँ ऑलमोस्ट आपके सारे गेम्स हैं यहाँ पे जो आप खेल सकते हो एंड बहुत अच्छे लेवल पे भी लोग खेलते हैं, यहाँ से जोनल जाते हैं, स्टेट खेलते हैं, नेशनल। दोस्तों यहाँ पे आ गया हूँ, इसे हम लोग एमजी रोड भी बोलते हैं, इस रोड को यहाँ के सबसे हॉट रोड है। यहाँ पे शाम को आपको सारी महफिल दिखेगी, यहाँ पे चाहे कपल्स हो जो भी यहाँ पे वॉक करते हुए आपको दिख जाएंगे। अब फिलहाल मैं आगे चलता हूँ, आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ। यहाँ पे बार्बर शॉप, स्टेशनरी, जूस शॉप, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। जिम भी यहीं पे है, अगर आप बॉयज़ हो जिम करना चाहते हो तो आपको सामने जिमनेजियम भी मिल जाएगा, वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आइए, आप चीकू का जूस पीजिए, हमारा फेवरेट चीकू का जूस था, बाकी और फ्रूट जूस है, बार्बर है आपका। दोस्तों अब मिलवाता हूँ आपको सबसे अमीर बंदा यहाँ का, तो ये जो पीछे देख रहे हो आप जेरोक्स वाला, ये यहाँ का सबसे अमीर। तो जब यहाँ पे आओगे आप यहीं पे पूरा साल पढ़े रहोगे, चाहे आपको असाइनमेंट कराने हो, प्रिंट आउट लेने हो, कोड करना हो, इसको सारा सिलेबस पता है आपका। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलता है। इसके बाद कोई तबीयत ख़राब हुई तो हमें किसी को टेलीफोन करना है, फिलहाल आजकल तो ये यूज़ नहीं है। और यहाँ सेंट्रल स्टोर में आपका सब कपड़ा मिलता है और भी जो चीज़ें होती हैं काम की वो ले सकते हो। तो यहाँ से फिर आ जाता है आपका गजीबो और साइड में। तो दोस्तों ये था हमारा प्यारा कॉलेज, होपफुली मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं या इंस्टाग्राम में मुझे पूछिए, मेरे को खुशी होगी बताते हुए अपने कॉलेज के बारे में। हाँ फिलहाल इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टेक केयर, टाटा बाय बाय।